नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर चीन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। आपको बता दें कि चीन के बोइंग 737 एयरक्राफ्ट का ये हादसा हुआ है और पूरी तरीके से विमान क्रैश हो गया है। हादसे के वक्त बोइंग 737 में कुल 132 यात्री सवार थे, ऐसा बताया गया है। चीन के नागरिक उड्डयन ने हादसे की जानकारी दी है। बताया गया है कि इसमें 133 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में कितने लोगों की जान गई है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल अभी तक इसकी जानकारी नहीं आई है कि कितने लोग घायल हैं। जो विमान क्रैश हुआ है वह चीन की कंपनी चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का है। चीन की मीडिया के मुताबिक खबर यह दी गई है कि बोइंग 737 कुनमिंग से ग्वानगुचू की तरफ जा रहा था, जहां रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि MU-5735 प्लेन ने दक्षिण पश्चिम चीन के यूननान प्रांत में मौजूद कुनमिंग शहर के चांगसुई एयरपोर्ट से 1:15 पर उड़ान भरी थी। इसे 3 बजे तक ग्वांगडोंग प्रांत के ग्वानगुचू पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ियों से टकराकर यह हादसा हुआ है, जिसके बाद जंगल में भी काफी आग बढ़ गई है। हादसे के बाद राहत बचाव की टीम किसी तरह वहां पर लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही है। कुछ टीमें पहुंच चुकी हैं, ऐसी खबरें चीन की मीडिया की तरफ से आ रही हैं, और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जैसे जैसे टीमें पहुंच रही हैं वैसे वैसे रेस्क्यू कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। एक खबर ये भी आ रही है कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, केवल अभी 6 साल पहले ही उसे खरीदा गया था। जून 2015 में एयरलाइंस ने इसे खरीदा था। MU-5735 में कुल 162 सीटें थी, ऐसा बताया जा रहा है, जिनमें से 12 बिजनेस क्लास और 150 इकोनॉमी क्लास वाली सीटें हैं। बोइंग 737 छोटी और मध्यम दूरी की हवाई यात्रा के लिए अच्छा विमान माना जाता है, इसीलिए इसे शामिल किया गया था। हालांकि 6 साल पहले ही इसे खरीदा गया था, लेकिन अब ये विमान हादसे का शिकार हो गया है। वहीं चीन की एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक खबर ये आ रही है कि चीन में आखिरी बार ऐसा बड़ा हादसा 2010 में हुआ था, जब 44 लोगों की विमान हादसे में मौत हो गई थी। वहीं अब ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, जहां पर 132 लोग इस विमान में सवार थे, और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इसमें बहुत से ज़्यादा लोगों की जान चली जाए, क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ पहाड़ियों से टकराकर, उसके बाद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भयावह हैं। लगातार आग फैलती जा रही है जिस जंगल में यह हादसा हुआ है, और 132 इस पे लोग सवार थे, जिनमें क्रू मेंबर भी 9 थे साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा चीन में इस वक्त हुआ है। हालांकि इस दर्दनाक हादसे में भी कितने लोगों की जान गई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।